हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आकारों के क्षेत्रफल एरिया ढूंढने के कुछ अनोखे उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। राजू के जन्मदिन की पार्टी में राजू ने सभी बच्चों को एक ही डिजाइन के कंपास बॉक्स दिए। अगले दिन पिंकी, चंदा और तूफान उत्साहित होकर अपने नए कंपास बॉक्स स्कूल ले आए। ये मेरा कंपास बॉक्स है, चंदा ने तूफान से कहा। नहीं, ये मेरा कंपास बॉक्स है, तूफान और चंदा लड़ने लगे। पिंकी ने तूफान और चंदा को लड़ते देखकर कहा, देखो मैंने अपने कंपास बॉक्स पर इन वर्ग आकार के स्टिकर्स का इस्तेमाल करके अपने नाम का अक्षर पी बना लिया है। इससे मैं आसानी से मेरे कंपास बॉक्स को पहचान सकती हूँ। तुम दोनों भी इन स्टिकर्स का इस्तेमाल करके अपने नामों के अक्षर अपने कंपास बॉक्स पर क्यों नहीं बना लेते? बच्चों, अगर पिंकी ने इस्तेमाल किए हर वर्ग आकार के स्टिकर का किनारा साइड 1 सेंटीमीटर का है, तो क्या आप पिंकी के पी अक्षर का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं? हर वर्ग आकार के स्टिकर के किनारे का नाप 1 सेंटीमीटर है, इसलिए हर वर्ग आकार के स्टिकर का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। पिंकी ने अपने नाम के अक्षर पी में ऐसे 10 स्टिकर का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसके नाम के अक्षर पी का क्षेत्रफल 1 × 10 = 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। पिंकी ने चंदा और तूफान दोनों को अपने अपने नाम के अक्षर बनाने के लिए 10 10 स्टिकर दे दिए। बच्चों, क्या आप इन 10 वर्ग आकार के स्टिकर्स का इस्तेमाल करके चंदा के नाम का अक्षर सी और तूफान के नाम का अक्षर टी बना सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों। आइए देखें पिंकी ने बनाए अक्षर का परिमाप पेरीमीटर कितने सेंटीमीटर है। इसका पता हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक वर्ग के किनारे का नाप 1 सेंटीमीटर है, इसलिए इस अक्षर का परिमाप ढूंढने के लिए हमें केवल उसके किनारों में आने वाले वर्गों की संख्या को ढूंढकर उन सभी किनारों के नाप को जोड़ लेना होगा। इस तरह पिंकी के अक्षर का परिमाप हो गया 16 सेंटीमीटर। बच्चों, अब क्या आप चंदा और तूफान के अक्षरों का परिमाप ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, चंदा के अक्षर का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और तूफान के अक्षर का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। बच्चों, देखा आपने कि किस तरह पिंकी, चंदा और तूफान के अक्षरों के क्षेत्रफल भले ही समान हैं, इनके परिमाप अलग अलग हैं। ये बिल्कुल संभव है बच्चों कि समान क्षेत्रफल के आकारों का परिमाप अलग अलग हो सकता है। चंदा और तूफान ने अपने अपने कंपास बॉक्स पर अपने नामों के अक्षर उन स्टिकर्स से बना लिए ताकि फिर कभी उनमें उन कंपास बॉक्स को लेकर कभी लड़ाई ना हो। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के क्षेत्रफल एरिया ढूंढने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित और भी मजेदार उदाहरण देखेंगे।